हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? 26 जो प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है आपका। बोला है फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एच एक्स टेंस टू जीरो, वेयर एफ एक्स इक्वल एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वी गेट जीरो व्हेन एक्स इक्वल जीरो, ठीक है। मतलब आपको जब एक्स आपका जीरो के बराबर नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, x बाई मॉड एफ एक्स मिलेगा, और x जब जीरो, x का वैल्यू जब जीरो है तो आपको क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। आपको क्या करना है, इस जो फंक्शन एफ एक्स है इसकी x इक्वल जीरो पर क्या निकालना है, लिमिट निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम जो लिमिट है आपका क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जो आपको दिया है, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स लिख लेंगे, एफ एक्स इक्वल, ठीक है, जो आपका फंक्शन डिफाइन है उसे लिख लेंगे, ठीक है, एफ डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड जीरो जीरो वी गेट जीरो व्हेन एक्स इक्वल जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका क्या करेंगे, यहाँ जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसे हम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड आपकी जो लिमिट है उसे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपका लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ठीक है। तो माइनस लेते हैं तो क्या रखे, पुट करेंगे जीरो माइनस एच पुट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे जीरो माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ क्या एज एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, आप ऐसा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जहां एक्स है वहां हम क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच, जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच, ठीक है। यहां एक्स है, देखिए जैसे आप जीरो में से कुछ भी क्वांटिटी घटाएंगे, जीरो में से कुछ भी एच जो क्वांटिटी स्मॉल है लेकिन क्या घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, जीरो के इक्वल रहेगा नहीं, ठीक है, जीरो से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं रहेगा तो हम क्या लेंगे, एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो ध्यान देंगे तो क्या लेंगे, जहां एक्स है वहां क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच लिखेंगे, ठीक है, बाई जीरो माइनस एच लिखेंगे, पहले यहां लिमिट लिख लेंगे आप, लिमिट एज एच टेंस टू जीरो, ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे, यहां मॉड ऑफ एक्स है, क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए जैसे हम हाँ जीरो में से एच क्वांटिटी क्या करेंगे, घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, जीरो से छोटा आएगा, तो जीरो से छोटा आएगा इसका क्या मतलब है, एक्स आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब एक्स आपका निगेटिव हो जाएगा तो जो मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा उसका जो वैल्यू क्या आता है, माइनस एक्स आता है, यही आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है, और यदि प्रॉब्लम है, ठीक है, तो x के स्थान में क्या लिखेंगे हम, जीरो माइनस एच लिख देंगे, यही लिखेंगे, जीरो माइनस एच, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ, लिमिट ऑफ, ठीक है, जीरो माइनस एच, ठीक है। तो पहले क्या लिख देते, एज एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एच से एच कैंसिल हो गया, क्या आया, माइनस वन आया, ठीक है। और इसमें एच तो है नहीं तो हम जीरो रखेंगे नहीं, यही आपका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। चलिए देख लेते हैं आप नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू क्या करेंगे, जीरो प्लस यहाँ करेंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट यही तो करते हैं भाई। आप क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, लिमिट ऑफ एच एच टेंस टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे, एफ ऑफ क्या, जीरो प्लस एच, यही करेंगे, जीरो प्लस एच। आप चाहे तो डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे जब आप जीरो में क्या करेंगे, एच ऐड करेंगे तो जो एक्स का वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा, तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स आएगा, मतलब निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। तो जहाँ एक्स है और जहाँ मॉड ऑफ एक्स है वहाँ जीरो प्लस एच रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच, ठीक है,
तो यह एच एच टेंस टू क्या है, जीरो है। जीरो में एच क्या है, बहुत बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। जीरो में हम एच जोड़ेंगे तो एच बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, एक्स से बड़ा आएगा। एक्स से बड़ा मतलब सीधा सब सीधी सी बात है कि एक्स जो वैल्यू आएगा वो जीरो के बराबर नहीं रहेगा। जब एक्स जीरो के बराबर नहीं रहेगा तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, ये वाला जीरो पर, एक्स जीरो के बराबर होता तो ये लेते, एक्स जीरो के बराबर नहीं होते ये लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ, ठीक है, जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच लिखेंगे, ठीक है, बाई मॉड ऑफ एक्स का भी वैल्यू क्या आएगा, जीरो प्लस एच। एच एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए जीरो प्लस एच क्या हो जाएगा, जीरो एच मिलेगा आपको, ठीक है, तो एच मिला बाई एच, तो क्या मिला इसका वैल्यू, एच वन आया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक है। लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डस नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। देयर फॉर क्या है, देयर फॉर, ठीक है ना, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल जीरो, ठीक है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, ऑफ दिस फंक्शन, फंक्शन एट एक्स इक्वल जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या है, सेम नहीं है, ठीक, और राइट हैंड लिमिट के, इसलिए ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है आपका क्या है, एट एक्स इक्वल जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करता है। फंक्शन जो लिमिट है, सॉरी, फंक्शन जो लिमिट है वो एक्स इक्वल जीरो पर क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, चल देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका देखते हैं, ठीक है, जो 27th जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या दिया है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 5 वेयर एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है, यही दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन है एफ एक्स उसे हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, और इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि दोनों सेम हो जाते हैं तो हम बोलेंगे जो फंक्शन है आपका लिमिट एट एक्स इक्वल 5 क्या करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू क्या, 5 माइनस है, ठीक है, ठीक है, तो क्या मिला, 5 माइनस, ठीक। तो अब देखिए क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे हम, 5 माइनस एच पुट करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करेंगे, 5 माइनस एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स सॉरी 5 माइनस एच एज एच टेंस टू क्या, 0, ठीक है। तो जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रखेंगे, 5 माइनस एच, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका, देखिए मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है, तो लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स सन 5 माइनस एच हो गया, ठीक है, एंड सॉरी, और इसके बाद माइनस क्या है, 5 है, ठीक है, एज एच टेंस टू 0, ठीक है। आप जानते हैं कि जब एक्स का वैल्यू आपका क्या होता है, लेस देन 0 होता है, ठीक है ना, तभी आपका जो मॉड ऑफ एक्स होता है उसका वैल्यू का निगेटिव होता है, ठीक है। यदि एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है होता है, तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स होता है। तो यहाँ मतलब स्मॉल एच क्या है, जो बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, तो यह 5 में से हम एच का वैल्यू जो भी होगा घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। जैसे 5 में से हम क्या घटाए, 0.001 इतना घटाए, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, जो भी आएगा हम पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव तो आएगा नहीं, ठीक है। तो अब देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो जहाँ एच है वहाँ क्या करें, पहले इसका जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एच एच टेंस टू 0, तो 5 माइनस क्या मिला, एच और माइनस 5, तो प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आया, माइनस एच, क्या आया, माइनस एच, तो लिमिट ऑफ माइनस एच 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 टेंस टू 0, जहाँ एच है वहाँ क्या करते, पुट कर दे 0, तो क्या मिल गया, 0। ये आपका क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट मिला, क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम, राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं,
राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू क्या 5 प्लस हो जाएगा, ठीक है 5 प्लस। क्या करेंगे, लिमिट ऑफ जहां एक्स है वहां 5 प्लस एच पुट कर देंगे एज एक्स टेंस टू 0, ठीक है। तो 5 में हम एच क्या बहुत छोटी क्वांटिटी है, 5 में हम एच जोड़ेंगे तो पॉजिटिव रहेगा ऑलरेडी, ठीक है, पहले से यार आपका क्या है पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ 5 प्लस एच क्या कर देंगे रख देंगे, तो यहाँ x है तो क्या पुट करेंगे 5 प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा 5 प्लस एच हो जाएगा 5 प्लस एच, ठीक है। आगे क्या है, माइनस 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव तो रहेगा ही, एज एच टेंस टू क्या 0, क्या हो जाएगा देखो, यदि हम इसे ब्रेक कर देते हैं तो 5 प्लस एच माइनस 5 एज एच टेंस टू क्या 0, प्लस 5 माइनस 5 क्या 0, और जहाँ एच है वहाँ क्या मिला एज एच टेंस टू 0, तो जहाँ एच है वहाँ क्या है 0, जहाँ एच है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या मिला 0। तो हम देख रहे हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट क्या है सेम है, देयरफॉर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल 5, ठीक है एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब ये जो लिमिट है आपकी इस फंक्शन जो लिमिट है एट एक्स इक्वल 5 पे क्या करती है एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका देखते हैं, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है आपका जो प्रॉब्लम है, क्या बोला है कि सपोज क्या लिखा है, सपोज एफ एक्स, मतलब मान लेते हैं जो आपका एफ एक्स है इतना दिया है, ठीक है दिया है, ठीक है, जो एफ एक्स फलन है ए प्लस बी एक्स आपको मिलेगा जब एक्स का वैल्यू 1 से क्या होगा कम होगा, ठीक है, और एक्स इक्वल 1 होगा तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है, और एक्स क्या रहेगा ग्रेटर दैन क्या 1 है तो आपको क्या मिलेगा बी माइनस ए एक्स, ठीक है। नीचे क्या दिया है कि इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स, मतलब कि जो फलन आपका फंक्शन एफ एक्स है उसका लिमिट एट एक्स इक्वल 1 पर दिया है, और जो मतलब लिमिट एफ एक्स का एक्स इक्वल 1 पर जो लिमिट है, लिमिट आएगा वो एफ वन के क्या इक्वल है, ठीक है। तो पूछा है व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ए एंड बी, ठीक है, तो आपको किसका वैल्यू निकालना है ए एंड बी की संभव मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, आपका देखिए एफ वन जो है इसका वैल्यू आपको दिया है, ठीक है, तो यहां लिख ले सॉल्यूशन लिख लेंगे आप एक बार, ठीक है। तो एफ वन का वैल्यू जो है आपका दिया है, तो एफ वन का वैल्यू क्या है देखिए एक्स इक्वल 1 पे क्या है 4 है, आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है, और देखिए लिमिट बोला है कि जो लिमिट है वो एफ वन के क्या इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, यही तो होता है लिमिट, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है किसके इक्वल है राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए लिमिट ऑफ एफ एक्स द लेफ्ट हैंड लिमिट एज एक्स टेंस टू 1 माइनस, तो क्या हो जाए इधर राइट हैंड लिमिट लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू क्या 1 प्लस, यही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जो फंक्शन एफ एक्स है, क्या फंक्शन एफ एक्स है 1 माइनस, जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे 1 माइनस एच, तो लिमिट ऑफ एफ जहां एक्स है वहां 1 माइनस एच एज एच टेंस टू 0, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच, सॉरी एक्स के साथ क्या 1 है तो 1 प्लस एच एज एच टेंस टू क्या 0, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये क्या आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो 1 में से जब हम कुछ भी क्या करेंगे घटाएंगे, 1 में से जब ये कुछ भी घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से कम हो जाएगा, मतलब एक्स का जो वैल्यू 1 से कम हो जाएगा तो हम क्या लेंगे ए प्लस बी एक्स लेंगे, ठीक है। तो जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे 1 माइनस एच, ठीक है, तो लिमिट ऑफ हो जाएगा आपका ए प्लस, ठीक है, बी जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स सॉरी एच, ठीक है, यही है एज एच टेंस टू क्या 0, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इधर राइट हैंड लिमिट जो है आपका, ठीक है, क्या है
जहां देखिए वन में जैसे हम एच ऐड करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब एक्स ग्रेटर देन वन, तो हम क्या लेंगे बी माइनस ए एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ बी माइनस ए या एक्स सेवा क्या रखेंगे वन प्लस एच, यही तो रखेंगे, ठीक है। एज एच टेंस टू क्या जीरो, इसे हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ए सब किसके इक्वल है, एफ वन के इक्वल है, ध्यान देंगे किसके इक्वल है एफ वन के, एफ वन, एफ वन के, ठीक है। और एफ वन का वैल्यू कितना है, फोर है, आप जानते ही हैं एफ वन का वैल्यू कितना है, देखिए फोर आपको देखिए लिमिट दिया है एफ एक्स इक्वल एट एक्स इक्वल वन, क्या है एफ वन के इक्वल का है, ठीक है दिया है आपको। तो एफ वन का वैल्यू क्या है आप देख ही पा रहे हैं, एक्स आप वन रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या है फोर है, तो इसे फोर के इक्वल कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो लिमिट ऑफ, ठीक है ना, लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा ए प्लस बी का वन मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस बी एच, ठीक है हो गया। एज एच टेंस टू क्या जीरो, यहां क्या मिला लिमिट ऑफ बी माइनस ए वन प्लस एच, ठीक है। एज एच टेंस टू क्या जीरो, तो इसका क्या करें इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो वन का हाँ ए का हम वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वन मिलेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ए एच इक्वल किसके फोर, ठीक है। देखिए जहाँ एच है वहाँ क्या पुट करते हैं जीरो पुट कर देते हैं, तो यहाँ एच है यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा ए प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ जहाँ एच है जीरो पुट कर दिया, यहाँ क्या हो जाए बी माइनस ए इक्वल क्या मिला फोर, ये आपको मिला, ठीक है। तो आपको क्या मिल गए दो इक्वेशन मिल गए, ठीक है। तो एक बार आप क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है ए प्लस बी, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया दो इक्वेशन मिल गया जिसे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो इक्वेशन मिल गए देखिए आपको दो इक्वेशन मिल गया, कौन कौन सा इक्वेशन मिला, एक मिल गया आपको ए प्लस बी इक्वल क्या फोर, नेक्स्ट क्या मिला आपको बी माइनस ए इक्वल फोर, ठीक है। तो इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, ठीक है वी हैव, तो इसे ऐड कर देंगे या माइनस ए है प्लस ए है, तो प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी ए बी बी, तो बी और बी क्या मिलेगा टू बी एंड फोर फोर क्या हो जाए एट हो जाएगा, तो बी इक्वल क्या मिला एट बाई टू मतलब फोर, बी का वैल्यू क्या मिला फोर मिला, यही बी का वैल्यू हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं रख देते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, ठीक है वी हैव, तो जहाँ बी है वहाँ क्या पुट करेंगे फोर पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या है ए प्लस फोर इक्वल क्या फोर, ठीक है। देखिए ए के स्थान पे ए रहेगा प्लस है प्लस बी के स्थान पे क्या फोर, क्योंकि हम निकाल ही चुके बी का वैल्यू फोर इक्वल फोर, प्लस फोर है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा फोर माइनस फोर क्या मिला जीरो। तो पॉसिबल वैल्यू जो है आपका ए इक्वल क्या मिला जीरो एंड बी इक्वल फोर, ये आपको